अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इसको समझने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने समझना है। तो वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट जो है ये हमें क्लियर होना चाहिए पॉलीमॉर्फिज्म की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेसेस, मतलब पॉइंटर्स को हम यूज करते हैं मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए। तो इसको प्रैक्टिकली जो है वो समझते हैं। देखें, एक सिंपल वेरिएबल है n, मैंने कोई वैल्यू जो है वो m में इनिशियलाइज कराई और वैल्यू ऑफ n इक्वल्स n। अब जब हम ये प्रोग्राम रन करते हैं तो देखें n की जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाती है। अब जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने लिखा है इंटीजर n, तो अब क्या है, हमें मेमोरी में रैम के अंदर m के नाम से n के नाम से एक लोकेशन मिल जाती है जिधर n की जो वैल्यू है वो स्टोर हो। और वो जो लोकेशन है या वो डेटा ब्लॉक जो है उसका नेम क्या हो गया, n। इसी तरह से उस ब्लॉक का कोई ना कोई एड्रेस होता है, ठीक है, जिस एड्रेस को यूज करते हुए कम्युनिकेशन करता है सिस्टम। तो अब उस एड्रेस को हम किस तरह से देख सकते हैं, उस एड्रेस को देखने के लिए हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं विच इज एंड साइन, ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर। मतलब देखें, अगर आपने n की वैल्यू जो है वो प्रिंट करनी है तो आप सिंपली लिखते हैं n, लेकिन अगर आप n का एड्रेस देखना चाहते हैं कि ये जो डेटा ब्लॉक है इसका एड्रेस क्या है, तो हम इसके साथ लगाते हैं एंड साइन। अब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो अब n की वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी, जबकि n का जो एड्रेस है वो डिस्प्ले होगा। और ये जो एड्रेस है ये किस नंबर सिस्टम में आता है, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास जिसकी बेस 16 होती है, और ये नंबर सिस्टम जो है 0 to 9 और ए टू एफ जो डिजिट्स हैं इन पे होता है, ठीक है। तो एड्रेस जो है वो हमें विजिबल हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये है कि किसी भी वेरिएबल का या किसी भी डेटा ब्लॉक का एड्रेस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए एड्रेस ऑपरेटर यूज करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद है व्हाट इज पॉइंटर, ठीक है। तो पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है विच इज यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ एनी मेमोरी लोकेशन। किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आपने स्टोर करना है तो उसके लिए हम पॉइंटर वेरिएबल जो है वो क्रिएट करते हैं। देखें, इधर हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं विच इज स्टेरिक एम। अब इधर एक्चुअल में हमने क्या किया है, सिंपल वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है तो इंटीजर एन, और जब पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप उसके साथ स्टेरिक यूज करते हैं। स्टेरिक इस बात को शो करता है कि ये जो एम है इट इज नॉट सिंपल वेरिएबल, इट इज ए पॉइंटर वेरिएबल विच इज यूज टू होल्ड एड्रेस ऑफ एनी मेमोरी लोकेशन। और ये जो स्टेरिक है ये आप डेटा टाइप के साथ भी लगा सकते हैं और ये एम के साथ भी लगा सकते हैं। डेटा टाइप के साथ कॉमनली यूज किया जाता है इस बात पे जोर देने के लिए कि ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, ठीक हो गया। तो अब ये हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है विच इज यूज टू होल्ड एड्रेस, ठीक है। तो ये एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम यूज करेंगे। अब सपोज के अगर हम कुछ इस तरह से करें कि एंड n, अब एक्चुअल में इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो n वेरिएबल का एड्रेस है वो स्टोर हो जाए किसमें, जो पॉइंटर वेरिएबल अभी हमने क्रिएट किया है m। देन देखें, सी आउट m इक्वल्स m और एंटर। प्रोग्राम को रन करते हैं तो अगर आप देखें m और n दोनों का एड्रेस क्या आ रहा है, सेम, क्योंकि हमने कहा जो n का एड्रेस है वो स्टोर हो जाए किसमें, m वेरिएबल के अंदर। तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस है वो स्टोर कर सकते हैं किसी भी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में। अब इसी तरह से सिंपली अगर आप देखें, एड्रेस हमने देखना था, चलें इस वेरिएबल को लेते हैं, अगर आपने इसका एड्रेस देखना है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है जो के डेटा को स्टोर कर रहा है। अब इसका एड्रेस देखना था तो आपने एंड साइन लगाया। अगर आप एंड साइन रिमूव करते हैं तो क्या होता है, इस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो डिस्प्ले होती है। सिमिलरली क्योंकि ये जो m है ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है,
ये एक पॉइंटर है, अगर इसके साथ हम स्टेरिक लगा देते हैं तो क्या होगा, इस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर हो गई ये बात भी कि अगर आपने पॉइंटर वेरिएबल को यूज करते हुए एड्रेस देखना है तो आप सिंपली वो वेरिएबल लिखेंगे, और अगर आपने उस पे क्या वैल्यू पड़ी है वो देखनी है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ स्टेरिक यूज करेंगे। सिमिलरली एन में अगर आपने इसकी वैल्यू देखनी है तो सिंपल एन, और अगर आप एड्रेस देखना चाहते हैं तो एंड साइन यूज करेंगे, तो क्या होगा जो एड्रेसेस हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पॉइंटर वेरिएबल जो है पॉइंटर किस लिए यूज करते हैं और इनको यूज करते हुए किस तरह से हम जो मेमोरी एड्रेसेस हैं वो स्टोर कराते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि न्यू और डिलीट ऑपरेटर जो है ये हम किस तरह से यूज करते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।